देश की सर्वोच्च अदालत ने न्यूज टीवी चैनलों को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने टीवी चैनलों की खबरों पर सवाल उठाया है। टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाली खबरों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैनलों के स्वनियामक तंत्र को प्रभावी बनाना जरूरी है। टीवी चैनलों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप लोगों की प्रतिष्ठा में हस्तक्षेप करते हैं तो ये अपराध का अनुमान है। कुछ लोग हैं जो संयम का पालन नहीं करते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम स्वनियामक तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी न्यूज चैनलों पर होने वाली डिबेट पर सवाल उठा चुकी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैनलों पर सिर्फ 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाना प्रभावी नहीं है। पिछले 15 साल से 1,00,000 जुर्माने को बढ़ाने का विचार नहीं हुआ है। ये जुर्माने शो से हुए लाभ पर आधारित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने NBA से स्वनियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए सुझाव मांगे। सुनवाई के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ ने NBA से कहा कि आप कहते हैं कि टीवी चैनल आत्मसंयम बरतते हैं, पता नहीं अदालत में कितने लोग आपसे सहमत होंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर कोई पागल हो गया कि क्या यह एक हत्या है। आपने पहले ही जांच शुरू कर दी। आप नहीं चाहते कि सरकार इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, लेकिन स्वनियामक तंत्र को प्रभावी बनाना होगा। कोर्ट ने पूछा कि क्या होता है जब आप आपराधिक जांच को वस्तुतः पहले ही शुरू कर देते हैं। हालांकि हम इस तथ्य की सराहना करते हैं कि स्वनियमन होना चाहिए। आपका स्वनियामक निकाय प्रभावी होना चाहिए। उनका दायरा आपके दिशा निर्देशों द्वारा सीमित है। वे सिर्फ 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज होना ही काफी नहीं है, वे भी नियमों से बने हैं। आप अपने नियमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें किस प्रकार का बदलाव लाएंगे? जुर्माना एक प्रकार का निष्कासन शुल्क होना चाहिए। स्वनियामक निकाय को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर हम आपकी सहायता चाहते हैं। अब हम उस ढांचे को मजबूत करेंगे जो निर्धारित किया गया था। वही न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि हम आपकी बात से सहमत हैं कि यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा हम उसके खिलाफ हैं। डाउन लिंकिंग दिशा निर्देश देखें, यदि हम एक चैनल के खिलाफ 5 प्रतिकूल आदेश पारित करते हैं तो उनका लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। बता दें बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी चैनल्स के स्वनियमन को नाकाफी बताते हुए इसे सख्त बनाने की बात कही थी। इसके खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी NBA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें की हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।